वहां जाके उस महिला ने नौकरी कर ली। रोटी बनाएंगे, भोजन तैयार करेंगे, बर्तन मांज देंगे। भाई जैन जैन महिला हो, कहीं और कहीं काम करने से अच्छा है, बेइज्जती हो, अपने जैन के ही कर लेंगे कम से कम। और वैसे ने नौकरी कर ली, और नौकरी करने के पश्चात अब अपने बच्चे को साथ में लेकर के अब वहां रोज काम करने के लिए जाती, वहां नौकरी करती, काम करती, और अपने जो भी मिलता थोड़ा बहुत पैसा उससे अपना खर्चा चलाती घर का। अब एक दिन उस सेठानी का भी एक बच्चा था, और उस महिला का बच्चा और सेठ का बच्चा एक हम उम्र के थे, 5-6 साल का बच्चा था। सेठ के 5 साल के बच्चे का जन्मदिन था, और उन्होंने जन्मदिन की पार्टी रखी, और उसके साथ साथ के जो बच्चे थे सब उस पार्टी में वहां पर पहुंचे बर्थडे मनाने के लिए। और उस बच्चे की महिला को आदेश दिया गया कि आज मेरे बच्चे का बर्थडे है तो तुम्हें क्या करना है, अच्छी खीर बनाओ, खीर बनाओ, खीर। और जिससे कि वो 15-20 बच्चे हैं उन बच्चों के लिए खीर खाने को मिले ना, कि बच्चे होते हैं बच्चों को खीर बहुत अच्छी लगती है, खीर बनाओ। ठीक है, खीर बनाई गई, और खीर बना करके सारे बच्चों को एक कटोरी खीर दी गई। और छोटे बच्चों को क्या मालूम कि मैं गरीब हूं ये अमीर हैं, बच्चे को तो नहीं मालूम कि मेरा असाता कर्म का उदय चल रहा है और इन लोगों का साता कर्म का उदय चल रहा है। वह बच्चा देख करके माँ से बोला, माँ क्या है, मुझे भी खीर चाहिए, मुझे भी खीर चाहिए। माँ बोली, चुप रहना, मांगना मत, मांगना मत, देखो अपन गरीब हैं, देखो अपना असाता कर्म का उदय चल रहा है, इसीलिए तेरी मामा को दूसरे के यहाँ नौकरी करना पड़ रही है, बर्तन मांजना पड़ रही है, रोटी बना रहा पड़ रही है। तब जाकर के बेटा तेरा और मेरा पेट भरता है, इसलिए मांगना मत। अब बच्चे को क्या मालूम, बच्चा बोला, नहीं हमें तो खीर चाहिए, हमें तो खीर चाहिए, मुझे खीर चाहिए, रोने लगा। माने का पागल हो गया क्या, जब से जिद कर रहा है तो उसे कहा ना कि अभी खीर नहीं दे सकते हम, भाई मेरे हाथ में नहीं है कि मैं खीर उठा के तुझे दे दूं, अभी घर के लोग कोई नाराज हो जाए, कोई कुछ कह दे, अच्छे खासे सब बच्चों के सामने डांट पड़े, अच्छा लगेगा, चुपचाप रहो, जब देखेंगे मौका पड़ेगा तो हमें खिलाएंगे। बच्चा तो बच्चा, जिद, बच्चे की जिद थी, बच्चा मचल गया, जोर जोर से रोने लगा, खीर दो, आंसू बहने लगे। माँ फिर भी उस बच्चे को बार बार अपने सीने से लगा रही कि बेटा बात समझता क्यों नहीं है, मेरी मजबूरी है कि मैं तुझे खीर नहीं दे सकती ना। पर इतने में जो घर का मुखिया था उसकी नजर पड़ी कि बच्चा रोए जा रहा है, क्या बात है, पूछा क्यों रो रहा है ये। बोले, भाई साहब क्या बताएं आपको, मचल गया है, नादान है, जानता नहीं है, इन सब बच्चों को खीर खाते हुए देख रहा है, इसका मन भी कर रहा है कि मैं भी खीर खाऊं, और ये खीर मांग रहा है, अब मैं बताओ कहां से खीर दूं। मैं समझ गया, तुरंत गया एक कटोरी खीर उठा करके लाया, और वह खीर उस बच्चे के हाथ पर रख दी, ये ले रो मत, चल खीर खा। अब बच्चा रोते रोते भी चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट आई, और उस मुस्कुराहट के साथ उसने माँ की ओर देखा, माँ की आंखों में भी आंसू आ गए, और रोते हुए माँ ने बच्चे को देखा, और दोनों माँ और बेटे ने एक दूसरे को फेस टू फेस देख करके हल्की हल्की खुशी का इजहार किया। और उस बच्चे ने बोले, माँ खीर खाऊं,
अब माता कह सकती थी कि ठीक है भाई खा ले, और उस बच्चे ने एक चम्मच खीर लेकर के और अपने मुंह की ओर ले जाने लगा। अभी वह एक चम्मच खीर लेकर के मुंह तक पहुंच भी नहीं पाया था कि घर के मालकिन की नजर पड़ गई और उसे लगा इसकी इतनी हिम्मत कि बताओ हमारे बच्चों की पार्टी चल रही है और इसने अपने बच्चे को खीर कहां से दे दी। और तुरंत वह आई और बीच में ही कटोरी पकड़ी और छुड़ा ली और जोर से चिल्लाई, अपनी औकात देखी है तो शर्म नहीं आती, तू खीर खाएगा मेरे बच्चों के साथ, नौकर हो नौकरी तरह रहा करो, मालिक बनने की कोशिश मत करो। और उसकी मां से बोले तो शर्म नहीं आती, तू मालिक बन गई इस घर की क्या, तू कैसे खीर उठा के दे दी। मैं कहा नहीं मैंने नहीं दी, मैंने क्या मैंने नहीं दी, कि कहां से आई, चोरी की इसने क्या है ना, चोरी की है तो बताओ। बच्चे ने कहा मां को मत डांटो, मां को मत डांटो, मां को मत डांटो। उस सेठानी को गुस्सा आ गई, मुझ ला रहा है, दो थप्पड़ दिए मार के, दो चांटे दिए, खीर के लिए रो रहा था खीर भी नहीं मिली, दो चांटे और मिल गए। और मां ने देखा कि मेरे बच्चे को मेरे जिगर के टुकड़े को कोई दूसरी महिला मार रही हो, उसे तुरंत कहा बहन जी क्षमा कर दो, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके पैर छूती हूँ, बच्चे को मत मारो। और बच्चे को तुरंत पकड़ करके कहा तुझे कहा था ना तुझसे, कहा था ना जिद मत कर, देख तेरी थोड़ी जिद के चक्कर में मुझे भी गालियां सुनना पड़ी, तुझे मार खाना पड़ी, अगर मान जाता मेरी बात को तो कम से कम बेइज्जती तो ना होती, तुझे कोई चांटा तो ना मारता, वैसे ही हम तो कर्मों के सताए हुए हैं, हम तो वैसे ही असाता कर्म बेदनी कर्म हैं उसके सताए हुए हैं, हम तो एक टाइम की रोटी के लिए मजबूर हैं, और आज तू लगता है एक टाइम की रोटी की व्यवस्था भी बिगाड़ेगा। अब बच्चा डर गया, सहम गया और मां से चिपक गया, और मां को अंदर से करुणा भी है बच्चे के प्रति पर मजबूरी में डांट भी रही है, और उस बच्चे ने मां से चिपक गया तो डर लग गया उसको सेठानी का, उसे चांटे मारे थे, अब उसको खीर की जिद नहीं थी, चुपचाप चिपक गया और चुपचाप सिसक सिसक के रोता रहा। और वह मां उसको चिपकाए रही, मां भी दुखी थी। काम हुआ, काम से निकलने लगा, पर उसको सेठ को बड़ा गिल्टी फील हो रहा था कि मेरे खीर देने के कारण से ऐसा हो गया कि छोटे से नादान बच्चे को, जो मेरे बच्चे की उम्र का तो है, उसको चांटा पड़ गए, मेरे कारण से इस बच्चे की मां को गालियां सुनना पड़ी, पर वो कुछ कह नहीं पाया, स्त्रियों के आगे कौन बोल सकता है, चुप रहा। पर उसने जाते जाते उस मां के लिए रास्ते में पहुंच करके एक कटोरी दूध कहीं से ला करके घर में से छुपा करके और उसको दे दिया, और जितने चावल हम मंदिर में मुट्ठी में लेके जाते हैं इतने चावल उसको चुपचाप दे दिए, और एक बात बोला बहन जी मुझे क्षमा करना कि मेरे चक्कर में मां बेटे को डांट पड़ गई, मुझे क्षमा करना, पर ये दूध ले जाओ। उन्होंने नहीं भाई साहब, और सोचा कहीं ऐसा नहीं एक कटोरी चक्कर में तो अभी पड़ गए, कहीं और पता चल गया कि दूध दिया है चावल दिए हैं तो बड़ी आफत हो जाएगी, मजबूरी कौन समझेगा, हर व्यक्ति मजबूरी का फायदा उठाता है मजबूरी का मजाक उड़ाता है। उसने कहा भाई साहब नहीं चाहिए, बोले नहीं बहन जी ले जाओ, और जबरदस्ती उसको दूध दे दिया और जिस बच्चे को खीर बना के खिला देना मेरी इच्छा है। वो ले गई खीर को घर पहुंची, एक कटोरी दूध में एक कटोरी पानी डाल करके और एक बड़ा कटोरा खीर बना के तैयार कर दिया। अब वह कटोरा, अब मां से खीर भी बना रही है और मां बेटा आपस में संवाद भी कर रहे हैं, देख
अब तुझे खीर खाना थी ना, अब ये खीर बना रही हूं, अब तू खीर खा लेना। पर कभी जिद मत करना, जब उस घर में अपन काम करने जाएं कभी कुछ मत मांगना। अब तो बेटा भी समझ गया कि भाई वो महिला बहुत खतरनाक है, उसने मुझे मारा था, मेरी माँ को गाली दी थी, पर ठीक है माँ खीर बनाओ। खीर बन गई, तैयार हो गई। माँ थोड़ी विवेकी थी, थोड़ी ज्ञानी थी, मैं बोली बच्चे से, बच्चा बोला माँ से, माँ ये बताओ उसने तुम्हें गाली क्यों दी, मुझे चांटा क्यों मारा, हमने खीर चुराई तो नहीं थी ना। बोले नहीं बेटा, वो उनका कर्म का उदय यश कीर्ति पुण्योदय, हमारा पाप कर्म का उदय चल रहा है, इसे तुझे पिटना पड़ा। तो इसका कोई इलाज नहीं, हम लोग ऐसे ही रहेंगे। बोले है इलाज, हमने पिछले जन्मों में अपने घर में खुद ही बनाया, खुद ही खाया, किसी को खिलाया नहीं, खुद ही बनाया, खुद ही खाया। आज तक हमारे घर में हमने किसी मुनि राज को पड़गहन नहीं किया, उनको पड़गा करके घर पे लेके नहीं आए, और यही कारण रहा कि हमने खाया था, हम ही ने पचाया था, इसलिए आज हमारे पास कुछ नहीं है। और आज जिनके पास सब कुछ है, उन्होंने पिछली पर्याय में साधुओं को खूब चौके लगाए थे, खूब आहार दिया था, इस कारण से उनके पास सब कुछ है, हमारे पास कुछ नहीं। पर बेटा एक बार बताऊं, बोले बोलो माँ, एक कटोरा खीर आज इसके पर मालिक है, तू कहे तो आज अपन किसी मुनि राज को आहार दे करके फिर खाएं। बच्चा बोला हाँ 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 ये ठीक है, अगर कोई मुनिराज अपने घर में खीर खा के जाएंगे तो फिर वो शेठानी आपको कुछ नहीं कहेगी ना। बोले नहीं, फिर कोई हमको मारेगा नहीं। बोले हाँ। बोले मुनि महाराज के खाने से इतना प्रभाव पड़ता है। बोले हाँ। तो बोले फिर एक काम करो, पहले मुनिराज को खिलाओ। बोले एक काम कर, तू यहाँ दरवाजे में बैठ जा और देखना अगर कोई मुनिराज निकले। अब पहले जंगलों में रहते थे तो पता तो था नहीं कि मुनिराज आएंगे नहीं आएंगे। तो बोले कोई मुनिराज अगर निकले तो तू उनको रोक लेना, तब तक मैं पानी भर के लाती हूं। और भाई माँ तमेड़ी लेकर के पानी भरने के लिए चली गई, और इतने में एक यहां मुनिराज आहार चर्या के लिए निकले। बच्चे ने जैसे ही देखा, 5 साल का बच्चा, ओ माँ महाराज जी आए। पर माँ तो बहुत दूर थी, उसे पता ही नहीं था, आवाज भी नहीं पहुंची। छोटा सा बच्चा, उसे देखा महाराज आ रहे हैं, महाराज भाई वहीं पहुंच गया। महाराज श्री, माँ ने आपके लिए खीर बनाई है, और जब तक आप खीर नहीं खाओगे वो माँ मुझे भी खीर खाने को नहीं देगी। तो उसने कहा है कि जब हमारी खीर को कोई मुनिराज खाएंगे तब तुमको खाने को मिलेगी, और अगर कोई मुनिराज इसमें से खीर खा लेंगे तो फिर मुझे कोई मारेगा नहीं और मेरी माँ को कोई गाली नहीं देगा, उनके कर्म का उदय पुण्य उदय में बदल जाएगा, तो आप खीर खा के जाओ। पर मुनि महाराज ऐसे तो रुकते नहीं, मुनि महाराज को तो 90 भक्ति चाहिए, 9 भक्ति चाहिए। मुनि महाराज मुस्कुराए और अपना कदम आगे बढ़ाया। पर बच्चे ने देखा ये तो चले जाएंगे, और चले जाएंगे तो फिर खीर कौन खाएगा, मतलब हमारे वैसे की वैसे हम लोग पिटते रहेंगे। उस बच्चा, छोटा सा बच्चा था, उसने देखा माँ अभी दिख नहीं रही, वह बच्चा महाराज के चरणों में लौट गया और दोनों हाथ से नन्हे नन्हे हाथ और उनसे पैर पकड़ लिए। अब मुनि महाराज कैसे आगे जाएंगे, बच्चे के ऊपर पैर कैसे रखेंगे, वो वहीं खड़े रहे। थोड़ी देर बाद माँ आई, उसे देखा अरे ये क्या कर रहा है, तुरंत आवाज लगाई, तुरंत चिल्लाया माँ महाराज रुक नहीं रहे थे, जा रहे थे, मेरी बात को सुन नहीं रहे थे, मैंने खूब कहा है इनसे खीर खा के जाओ पर ये सुन नहीं रहे थे, तो मैंने उनके पैर पकड़ लिए। माँ ने तुरंत पड़गहन किया, महाराज पड़क गए, अपने छोटा सा कमरा था उसमें ले गए, महाराज को खड़ा किया, पूजन की,
अब महाराज खड़े हुए, माँ ने क्या किया, तीन हिस्से खीर के बनाए, तीन हिस्से, एक हिस्सा मुनिराज को देने के लिए, एक हिस्सा खुद को खाने के लिए, एक हिस्सा बच्चे को देने के लिए, और उन्होंने क्या किया चम्मच से खीर देना प्रारंभ की। मुनि महाराज ने खीर खाई, एक चम्मच, दो चम्मच, तीन चम्मच, चार चम्मच, पर मुनि महाराज ने मना तो किया ही नहीं कि आप नहीं चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, माँ ने विचार किया, अब बच्चा बाहर से खड़ा है, दे तो सकता नहीं, पांच साल का बच्चा बाहर से कह रहा है माँ खीर दो महाराज को, खीर दो महाराज को। अब देख महाराज जी अपने घर में आ गए ना, अब तुझे कोई गाली नहीं देगा, अब तुझे कोई गाली नहीं देगा, अब कोई मुझे मारेगा नहीं, क्योंकि मुनि महाराज ने हमारे घर पर खीर खा ली है ना। माँ भी खुश, बच्चा भी खुश, झूम रहा है, नाच रहा है। थोड़ी देर बाद माँ ने देखा कि मुनिराज के हिस्से खीर तो खत्म हो गई, फिर से मन में विचार किया, चलो कोई बात नहीं, माँ तो माँ है, उसने कहा एक हिस्सा बच्चे का छोड़ देती हूँ और अपने हिस्से खीर भी मुनिराज को दे देती हूँ, मैं आज पानी पी के काम चला लूंगी। और ने क्या किया, अपने हिस्से खीर भी महाराज को दे दी। अब बच्चा देख रहा है, खुश हो रहा है, माँ खीर दो, खीर दो, है ना। माँ कह रही दे रही बेटा, दे रही हूं, दे रही हूं, देखो दे रही ना, है ना। अब बच्चा बोला माँ मेरे हिस्से खीर भी दे दो, मैं खीर नहीं खाऊंगा, कोई बात नहीं चल जाएगा, पर मैं चाहता हूं कि आज के बाद तुझे कोई गाली ना दे, कोई दुखी ना करे, कोई मुझे मारे ना, मेरे से खीर भी दे दो। और माँ ने क्या किया, मुनि महाराज के लिए बच्चे के हिस्से खीर भी दे दी। अब जो लास्ट में खीर चिपक जाती है कटोरे में, वो ने ढांक के रख दी कि बच्चे का ये मन रह जाएगा, चाट लेगा वो उस खीर को, फिर बाद में कभी फिर मौका देखेंगे, और उन्हें ढांक के रख दी। मुनि महाराज ने आहार किया और वो अपने शुद्धि करके पिछी कमंडल लेके बिहार कर गए। अब माँ चिपक गया, माँ से चिपक गया वो बच्चा, माँ अब तो तेरी बात इच्छा पूरी हो गई ना, अब तो मुनि महाराज ने खीर खा ली ना, अब तो तुझे कोई गाली नहीं देगा ना। हाँ बेटा कोई नहीं देगा, अब मुझे कोई मारेगा नहीं, बोले हाँ नहीं मारेगा, जा तुझे खीर कटोरा रखा है उसमें खीर लगी है, उसको खीर चाट ले जा। बच्चा गया, उसने खीर का ढक्कन हटाया, क्या देखा, जोश चिल्लाया माँ तूने मुनिराज को खीर नहीं दी। कि बेटा दी है, दी तो है, वो तेरे लिए थोड़ी सी बचा दी थी, थोड़ी सी, अरे थोड़ी क्या बचाई है, ये तो पूरा का पूरा कटोरा भरा हुआ है, ये भरा हुआ है। माँ तुरंत जाके देखी, कटोरा खीर से पूरा का पूरा भरा हुआ। बोले ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, मैं तो पूरी खीर दे रही थी। कि चल देख, यही मुनि महाराज का प्रभाव है कि जिस चौके में, जिस घर में मुनि राज अगर आहार ले लेते हैं और हम नब्दा भक्ति पूर्वक आहार देते हैं और देते लेते रहते हैं, तो बोले धर्म क्या है,